किया जाता है। हाँ। चलो आ चलते हैं, देर हो रही। आ ठहरो, ये बहाना नहीं चलेगा, समझे? कह रही थी नानी, अरे नाना कहाँ से आ गया? आज मैं कस के कसूंगी तब तुझे पता चलेगा, समझे? हाँ, तुम्हें तो मालूम है क्या मैं इतनी सहनी हो चुका हूँ और पिताजी को कोई फिक्र नहीं,
कि कहीं से जाकर हमारा रिश्ता तय कर दे। हमारे पिताजी ने यह स्वयंवर रचा है। क्या? के 3 महीना 13 दिन हाँ? जो बलवान बराबर युद्ध करेगा और उस युद्ध में विजय प्राप्त करेगा उसके साथ मेरी शादी करेंगे। अच्छा, अब तुम ही बतला बहन के दुनिया में कौन सा ऐसा बलवान है के 3 महीना 13 दिन बराबर युद्ध करेगा और उस युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। हमें तो ऐसा लगता है क्या कि अब हमारी शादी नहीं होगी बहन, इसलिए तुम लोग जाओ, मैं तनहाई चाहती हूँ, जाओ तुम लोग। ठहरो, देखो ये सब बहाना नहीं चलेगा, समझे? आज मैं दांव लेकर जाऊंगी, समझे? तब तुझे पता चलेगा। तुम लोग सहेली हो कि मेरी दुश्मन? कुछ भी सोचो दिल में, चली जाओ यहाँ से। जिद करोगी इसका अंजाम जानती हो? क्या होगा देखना चाहती हो? दिखाओ। ठहरो फिर, एक क्या है? मैं अभी भी वक्त है, चले जाओ। नहीं एक नहीं, इसे क्या और दो। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। दाव लेना बाबा। आई ई बुढ़ो खा लियो
बैताल, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया बैताल। ओ राजकुमारी जी, अचानक मुझे क्यों बुलाया? बोलो क्या कहना चाहती हो? तो भी तुम्हारे बैताल के पिताजी ने क्या स्वयंवर रचा है कि 3 महीना 13 दिन जो बलवान बराबर युद्ध करेगा और उस युद्ध में विजय प्राप्त करेगा उसके साथ मेरी शादी करेंगे। इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती है बैताल। विनती? वो कैसी विनती है राजकुमारी जी? बोलो। बदन सदन रस पेतता रही जवानी छा मेरे नायक पर कहीं सुघर तलाश चाहती। लेकिन है कौन? मैं बताता हूँ। तो है पत्नी एक
चलता हूँ। बैताल
दिल को करारा जाए, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करारा जाने कौन है जो आकर हमारे बिस्तर पर पहले से ही विराजमान हो गई। ए, उठो ना, देखो हम आए तुम्हारे पति। Thank you.
बिस्तर पर। इसीलिए तो कहता हूँ तेल लगावा नहीं जगा रहा हूं, मारे आपने एक गुस्ताखी क्यों की भैया? बहुत दिन से बिस्तरा लगाई थी, आज तक इपर हम हाथ नहीं धर पावा। अब आज लगाओ थे तो हम कहा लोग देखी लेट के कौन दिन के हुआ थे, जैसे लेटिन भैया बोले रहा खोस दी क्या नींद, तो ये बात है नींद न जाने ठौर को ठौर, भूंग न जाने झूठ अनूठ, और का न जाने जी, ये सच ये हकीकत है। इसका मतलब ये हुआ आप बिस्तर लगाने के बाद मेरे बिस्तर पर सो गए। हाँ भैया क्यों, चलो तुम्हारा चाचा आन पहुंच गए, गरीब है तो का भा, अब तीन दिन से सोचा तक नहीं। लेकिन चाचा आप तो जानते हैं मेरी दो पत्नी चित्रेखा और सुवा पंखनी, अगरचे मेरी जगह वो आती तब क्या होता, तो कहिए पतुआ आवत है का, लो कर लो बात। हाँ कमरा आपका है, बिस्तरा आपका है, ओ पतुआ नहीं है तो काको महतारी ही आई तब फिर। अरे दादा आज इतने तो कहा होते, यही तो हम भी सोच रहे हैं का लौंडे बम्बई पठा के मजा करे बुढ़ाऊ चाचा। मजा करे ले गए आखी। अब चलो इनका खोलाओ, क्या हुआ पैसा एको नहीं है का भीख मांग के खोलेबे, कितने लगेंगे अभी मैं बताऊ, 25 करोड़ रुपया लागी तो लेंस है। कितने 25 करोड़ रुपया के लेंस है, जैसे देखिए जरा। अरे ये तो फूटी नहीं है, फूटी नहीं तो क्या कहूँ तुम रोक लेते।